महेंद्र सिंह धोनी, ये नाम ही अपने आप में सब कुछ कहने के लिए काफी है। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं जो बनने वाले सालों के बाद भी याद किए जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माही के कई रिकॉर्ड तो ऐसे हैं जो अभी तक न टूटे हैं और न ही कभी टूट पाएंगे। जी हाँ, वैसे तो कहा जाता है कि रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं। क्रिकेट में जब भी कहीं कोई मैच होता है तो कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बनता है और रोज कोई ना कोई रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाता है। लेकिन धोनी शायद दुनिया के अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो काम कर दिया है वो अब तक कोई ना तो कर पाया है और न ही आने वाले वक्त में शायद कोई कर पाएगा। हम आपको वो रिकॉर्ड भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि धोनी भले क्रिकेट से दूर है लेकिन वो लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गुजर रहे दशक का सर्वश्रेष्ठ कप्तान कौन है, इस सवाल के जवाब में ज्यादा से ज्यादा लोग एक ही नाम लेंगे और वो नाम होगा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का। धोनी भले पिछले कुछ समय से क्रिकेट से दूर है लेकिन वो क्रिकेट फैंस के दिल से नहीं उतर सके। आज भी क्रिकेट फैंस एक ही बात का इंतजार कर रहे हैं और वो ये है कि धोनी बाहर आए और ये बताएं कि वो क्रिकेट के मैदान में वापसी कब कर रहे हैं। हालांकि ये इंतजार कब पूरा होगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। इस बीच धोनी के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। ICC ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक सवाल पूछा कि दशक का सर्वश्रेष्ठ कप्तान कौन है, उसका जवाब क्या मिला जानते हैं? जी हाँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जवाब एक ही मिला और वो था महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, ICC यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट प्रशंसकों को इस दशक का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुनने को कहा और प्रशंसकों ने धोनी को इस दशक का सर्वश्रेष्ठ कप्तान माना। धोनी को ने साल 2014 में टेस्ट और उसके बाद साल 2017 में वनडे और T20 मैचों की कप्तानी भी छोड़ दी थी। धोनी की कप्तानी में भारत ने साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इससे समझा जा सकता है कि धोनी कितने बड़े कप्तान हैं। अब आप जान लीजिए कि धोनी का वो कौन सा रिकॉर्ड है जो ना तो अभी तक टूटा है और ना कभी टूटेगा। धोनी दुनिया के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने ICC की तीनों बड़ी ट्रॉफी अपने नाम की है। साल 2007 में जब पहला विश्व कप हुआ उस पर भारतीय टीम ने कब्जा किया था और उस टीम के कप्तान धोनी ही थे। इसके बाद साल 2011 में भारत ने दूसरी बार वनडे विश्व कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया था, उस वक्त भी टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ही थे। धोनी का ट्रॉफी जीतने का कारवां यहीं नहीं रुका। जब साल 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो उस समय पर भी टीम इंडिया ने ही कब्जा किया, यानी इन तीनों विश्व टूर्नामेंट को धोनी अपनी कप्तानी में जीतने में सफल रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो कोई और कप्तान भी कर सकता है, तो आपको बता दें कि ICC की ओर से चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन बंद हो गया, इसलिए जब टूर्नामेंट होगा ही नहीं तो फिर जीतने का सवाल ही नहीं उठता। एक और मज़ेदार बात आपको बता देते हैं, T20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जब भारत ने जीती उसके अगले ही साल पाकिस्तान ने भी इन ट्रॉफियों पर कब्जा जमाया। भारत ने साल 2007 का T20 विश्व कप जीता, उसके बाद अगला विश्व कप यानी साल 2009 में पाकिस्तान ने ट्रॉफी जीती। उसके बाद भारत ने साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती और उसके बाद अगली बार 2017 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वनडे का विश्व कप भारत ने पहली बार 1983 में जीता था, वहीं पाकिस्तान ने इस ट्रॉफी को साल 1992 में जीता था। धोनी के नाम एक और रिकॉर्ड है जो फिलहाल कुछ सालों तक टूटता हुआ नहीं दिख रहा। हो सकता है ये भी ऐसा रिकॉर्ड हो जो कभी ना टूटे। धोनी साल 2007 से लेकर 2016 तक टीम इंडिया के कप्तान रहे। इस दौरान जितने भी T20 विश्व कप खेले गए उसमें वो कैप्टन थे। ऐसे में T20 में सबसे ज्यादा बार टीम की कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी धोनी के नाम है। कुल मिलाकर 6 T20 विश्व कप में धोनी टीम इंडिया के कप्तान रहे। ये रिकॉर्ड इसलिए भी टूटता हुआ नहीं दिख रहा क्योंकि धोनी के बाद दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के पॉल कॉलिंगवुड और वेस्टइंडीज के डेरन सैमी हैं। ये दोनों ही अब कप्तान नहीं। ऐसे में धोनी का रिकॉर्ड शायद ही टूटता है। धोनी की उपलब्धियों की फहरिस्त तो वैसे बहुत लंबी है लेकिन हाल ही में उनमें एक और नगीना जुड़ गया है। धोनी को पिछले एक दशक की वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से इस बात का ऐलान किया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस वनडे टीम का ऐलान किया है। धोनी के साथ इस टीम में विराट और रोहित भी हैं। अब क्रिकेट और धोनी फैंस इंतजार कर रहे हैं कि धोनी जल्दी से क्रिकेट में वापसी करें। जैसे ही धोनी की ओर कोई अपडेट आएगी सबसे पहले हम आपको बताएंगे। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।